जैन साथी, बिहार शिक्षक भर्ती कक्षा एक से लेकर पांच तक अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो वहां पर सिलेबस में संशोधन हो चुका है, नया सिलेबस भी आ चुका है और हम ये देखेंगे कि नया सिलेबस में क्या बदला हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नोट्स पढ़ना शुरू कर दिया था, क्लास पढ़नी शुरू कर दी थी और अब बीच में बीपीएससी ने कहा है कि एक से लेकर पांच तक अध्यापक परीक्षा के लिए संशोधन होगा, मैंने संशोधित पाठ्यक्रम जारी हुआ है। आइए जानते हैं पूरा संशोधित पाठ्यक्रम क्या है और बीपीएससी ने संशोधित परीक्षा संरचना जो संरचना थी और उसका जो पाठ्यक्रम था वो उसने जारी कर रखा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें बदलाव हुई है। साथ ही एक बात और स्पष्ट हो गया कि अब सीटेट अपेयरिंग को मौका नहीं मिलेगा इस परीक्षा में, अगर आपने फॉर्म भर दिया तो ठीक, क्योंकि इसमें कक्षा एक से लेकर पांच तक मानी प्राइमरी का जो सीटेट पास थे वही आवेदन कर सकते थे, बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते थे क्योंकि इसमें बीएड के अभ्यर्थी इजबल नहीं थे। भारत के किसी भी राज्य से हो आप इस परीक्षा में आवेदन कर सकते थे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या है और उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। इसका जो पूरा पाठ्यक्रम है एससीईआरटी और एनसीईआरटी पैटर्न पर होने वाला है। ई लर्निंग विद दुर्गेश के जो नोट्स है वो ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप प्राप्त कर सकते हैं, वो सभी नोट्स उपलब्ध हैं। कोशिश करते हैं हम इसके बारे में जानते हैं क्या बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। पहले एक शॉर्ट में देख लेंगे फिर इसका विस्तृत जो अध्ययन है जो सिलेबस है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि पटना में राज्य में शिक्षा विभाग के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के स्कूलों में एक से पांच के अध्यापक की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी। मैंने एक बात तो पहले से क्लियर है कि जो परीक्षा होगी वो एमसीक्यू बेस्ड होगी। कैसी होगी? वो एमसीक्यू बेस्ड होगी। दूसरी बात यह है कि पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया, इसमें नकारात्मक अंक नहीं होगा, एमसीक्यू होगी और नकारात्मक अंक, ध्यान रहे इस परीक्षा में नकारात्मक अंक नहीं होगा, चाहे एक से पांच की बात करें, छह से आठ की बात करें, नौ दस ग्यारह किसी परीक्षा में इस बार नकारात्मक अंक नहीं रहेगा। उनके मुताबिक विभाग स्कूलों के लिए ढाई घंटे की परीक्षा होगी, माने जो परीक्षा होगी वो 150 मिनट की होगी, 150 मिनट की होगी। प्रश्न कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे, माने 150 मिनट में 150 प्रश्न हल करने हैं। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं, अभी मैं और अच्छे से दिखा के समझाते हैं। 150 मिनट में 150 प्रश्न आपको हल करने हैं और सवाल दो भाग में होंगे। सवाल क्या होंगे? दो भाग में डिवाइड होंगे। आइए देखते हैं वो दो बड़े भाग कौन से, मैंने जो पूरा पैटर्न है परीक्षा का ये दो भागों में डिवाइड होंगे। दो भाग क्या होंगे? 30 अंकों के सवाल जो है भाषा से पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा भाग सामान्य अध्ययन होगा जिसमें 120 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। अब देखते हैं अब इसमें क्या क्या चीजें हमें आपको पढ़नी है उस पर मैं आपको लेकर चलता हूँ कि भैया ये दो जो भाग इसके हैं उन दोनों भागों में आखिर पढ़ना क्या है। आइए हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों भागों में आपको क्या क्या पढ़ना है। माने जो बीपीएससी का पेपर होने जा रहा है ये पूरा पाठ्यक्रम, अगर हम बात करें यहाँ पे ये हो गया हमारा बीपीएससी 2.0 एक से लेकर पांच तक, एक मिनट सॉरी चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका पूरा जो पाठ्यक्रम है यहाँ पे कर लेते हैं इसको। अब देखिए इसका जो बीपीएससी 2.0 का जो पूरा पाठ्यक्रम है जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये जो पूरा पेपर होने जा रहा है ना ये पूरा दो पार्ट में होगा, ये जो पूरा पेपर है ये दो पार्ट में होगा। भाग एक की अगर हम बात करें भाग एक की बात करें अगर हम या हम यू कह सकते हैं भाग का ये होगा भाषा से, ये क्या होगा भाषा। इस भाषा में क्या क्या होगा? ये पूरा जो भाषा है वो 30 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 30 अंक का होगा, जिसमें से 22 अंक के 22 अंक में भाषा फर्स्ट होगा। भाषा फर्स्ट जो होगा वो 22 अंक का होगा, भाषा सेकंड जो होगा वो आपका होगा 8 अंक का। इसकी जो क्वालिफाई मार्क है वो है 30%, इसे पास करना अनिवार्य है। अब जो तीन भाग हुआ करता था यहाँ पे दो भाग हो गया है। अब यहाँ पे जो भाग दो है अगर हम भाग ख की बात करें, यहाँ पे भाग ख की अगर हम बात करें तो जो भाग ख है ये आपका है जीएस जीके, ये हो गया पूरा आपका जीएस जीके, माने जो ईवीएस का सेक्शन था। अब हमारे समझ में आपके समझ में आएगा कि सर जब जीएससी के हो गया है इसमें और क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसमें जो जो चीजें पढ़नी है एक एक करके क्रम रूप से बताएंगे। यहाँ से जो सवाल आएंगे वो 120 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे? 120 अंक के होंगे और इसी से आपकी मेरिट बननी है।
मैंने जो जीए जी के पहले 40 नंबर का था 80 नंबर का ईवीएस था उसे संशोधित कर दिया गया, अब 120 नंबर में जीए जी के होगा। जीए जी के साथ और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी ये भी आपको जानना जरूरी है। जीए जी के साथ आपको इसमें गणित है, ठीक, तर्क शक्ति पढ़नी है आपको, तर्क शक्ति पढ़े रीजनिंग हो गया। जीए जी की अगर मैं बात करूं तो आपके जहन में एक सवाल जरूर आएगा कि सर इस जीए जी की सीरीज में इतिहास भूगोल भी तो आता है। आइए उस सेशन में भी हम आपको आगे लेकर चलते हैं और हम उस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तर्क शक्ति हो गई। अब इसमें जीएस की बात करें, अगर हम इसमें केवल केवल जीएस को लेकर चले, अगर हम यहां पर केवल 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 जीएस और जीके को लेकर चले तो इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। इसमें देखिए विविध है, इसमें आपकी विविध है, इसमें आपकी करंट है, इसमें आपकी करंट है, ठीक। अब जीएस जीके में क्या होगी, आपका इतिहास है, एनसीईआरटी इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र हो गया, फिर सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, कंप्यूटर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और साथ ही साथ आपके जो बिहार जीके हैं अब इतिहास की मैं बात करूं, इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपको इतिहास सीरीज में आएगा। भूगोल में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, संविधान भारत का संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, बिहार और जीके। अब इस पूरे सेशन को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जो फोकस करना पड़ेगा ये ध्यान जरूर रखना होगा कि हम एनसीईआरटी पे जाएं या एससीईआरटी से जाएं। तो यहां पर कक्षा एक से लेकर पांच तक के लिए ध्यान रहे आपको एससीईआरटी जो पढ़नी है, एससीईआरटी वो ईवीएस, एससीईआरटी ईवीएस में सब कुछ मिल जाएगा। एससीईआरटी जो ईवीएस है वो 3 से लेकर 5 तक यूं कर सकते हैं, 3, 4 और 5, ये 3 आपको एससीईआरटी की ईवीएस आपको यहां पर मिल जाएगी। इसके भी नोट्स आपको देखिए, नोट्स इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और आप ई लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं पूरा संशोधित जो सिलेबस है उसकी नोट्स आपको मिलेगी, क्योंकि ये उम्मीद पहले थी कि ये संशोधन यही होगा और इसलिए आपने देखा कि दो बार आपको विविध के सिलेबस में, एक बार 40 अंक में मिला था, एक बार 80 अंक में, ये सेशन पूरा आपको एक जगह मिला था। तो पूरी कंप्लीट नोट्स यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती की, चाहे प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए, 9, 10, 11 सभी के नोट्स यहाँ पर आपको उपलब्ध है। उससे भी बात यह है कि यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया उसके बाद आप चाहे तो एनसीईआरटी पर फोकस करें। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि 6 से लेकर 8 तक के लिए एनसीईआरटी यहाँ पे कवर कर लीजिए। कारण यह है कि आप कहेंगे समय जूनियर भी 6 से लेकर 8 तक पढ़ रहा हूँ, जी हाँ, अगर आपके पास समय है तो ठीक है, वरना ई लर्निंग विद दुर्गेश पे 6 से लेकर 8 तक के आपके पास ई लर्निंग विद दुर्गेश एनसीईआरटी के नोट्स हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं, इनके माध्यम से अभी आप परीक्षा में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अब बात आती है कि कितने सवाल कहाँ कहाँ से आएंगे, ये तो क्राइटेरिया फिक्स है, भाषा में आपको पास करना है, भाषा तो आपको पास करना है, ये तो आपको स्पष्ट हो गया। लेकिन अगर हम बात करें गणित और तर्क शक्ति से मिलाकर, आपने भी देखा 22 प्रश्न से 25 प्रश्न रहते हैं, माने निर्णायक है गणित और तर्क शक्ति। अगर आप कहेंगे तो इसकी भी मैराथन क्लास आपको निशुल्क मिल जाएगी। आपको कुछ मैराथन क्लास है जो कंप्लीट 40 घंटे में कंप्लीट जीएजेके की सीरीज है, वो आपको कल एक हम एक वीडियो बनाकर उसका सभी का लिंक एक ही जगह उपलब्ध करा देंगे, ताकि आप कम समय में ज्यादा और बेहतर तैयारी कर पाए, जहां पर इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये मिलाकर पूरा लगभग 25 घंटे का सीरीज है। 25 घंटे एमसीक्यू के साथ साथ पूरी थ्योरी की व्याख्या की गई है, जो आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। भूगोल की लगभग
25 घंटे की सीरीज है, 20 से 22 घंटे की सीरीज है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, संविधान की भी 8 से 10 घंटे की सीरीज है, मतलब विज्ञान की भी ऐसे सीरीज है। तो पूरा एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे जहां पर एक बार में आप पूरा रिवीजन कर पाएंगे। और इन सब की प्रैक्टिस सेट पर फोकस करिए, नकारात्मक अंक नहीं है, सारे प्रश्नों को करके आना है, कहीं भी कुछ नहीं छोड़ना है। अब की बार एक सीट हमारे का सपना पूरा करना, इस बार पीआरटी में पद कम है, इसलिए जो पीआरटी के लिए आवेदन कर उनके लिए चैलेंज ज्यादा है, लेकिन जो 6 से लेकर 8 तक के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लड़ाई काफी आसान हो जाएगी, यह लड़ाई उनके लिए काफी कम हो जाएगी क्योंकि पद ज्यादा है, आवेदकों की संख्या देखा जाए, योग्य आवेदकों की संख्या तो कम है। तो यहां तक हमने सारी जानकारी ले ली। अब आप एनसीईआरटी सीरीज की निशुल्क क्लास जो है टेलीग्राम पर उसकी प्लेलिस्ट शाम तक उपलब्ध हो जाएगी। उसके लिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश जरूर जुड़िएगा। अगर टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे तो इस क्लास के नोटिफिकेशन लिंक आपको एक ही जगह मिल जाएगी। और इससे जुड़ा हो, पीआरटी जुड़ा हो, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, लेकिन अगर आप शुरू से पढ़ रहे होंगे, हमारे साथ जुड़े होंगे, तो हमने आपको पहले ही बताया कि इस सेशन में मैंने ईवीएस बताया था जो पहला था, और फर्स्ट में आपको जीएस जीके तो पढ़ना ही था। तो ये सारी सीरीज आपको एनसीईआरटी सीआरटी से मिलाकर पढ़नी है, और आपके पास समय कम है, लगभग 20 दिन मिला के समय है, और इस 20 दिन में आपको अपनी तैयारी को और बेहतर करनी है। और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर नहीं बेहतरीन तैयारी करके जाएंगे। इलेनी में दुर्गेश का एक व्हाट्सएप नंबर, उस पर जुड़े जाएंगे तो आपको सारी जीचे जानकारी आपको मिल जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे कि आप लोग अपने सवाल पूछने के लिए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप न किया करिए, क्योंकि वो लोग भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो नोट से संबंधित, क्योंकि इलेनी में दुर्गेश ऑफिस के लोग हैं तो ऑफिस रिलेटेड उनके पास जानकारी रहती है। प्रायः लोग पूछते हैं कि सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके मन में है, कोई प्रश्न आपके मन में, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट करिएगा, जो भी आपके मन में सवाल है, जो कोई सुझाव हो। और कुछ लोग 6 से लेकर 8 तक के लिए सवाल है, तो उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। 6 से लेकर 8 तक के भी मन में भी कुछ सुझाव रह गया क्या पढ़ना। अब देखिए 20 दिन है, अब आपको रिवीजन की तरफ बढ़ना होगा। उस रिवीजन क्लास की तरफ हम आपको ढेर सारी चीजें लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम कोशिश करेंगे आप सिलेक्शन लें और अपने सपना पूरा करें, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपनी तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि अभी की बार एक सेट हमारे का सपना जरूर पूरा होगा। इसके बाद हम एक सेपरेट वीडियो 6 से लेकर 8 तक का बना देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके लिए खासकर उम्मीद है कि आप लोग भी साथ देंगे। वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी मित्रों को साझा करिए जो 1 से लेकर 5 तक आवेदन करना चाह रहे थे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आगे मैं देखूंगा कि अभी बीपीएससी ने हाल ही में मतलब क्या क्या बड़े बदलाव की संभावनाएं और हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा, नोट्स आप घर बैठे मंगा सकते हैं, मेरी निशुल्क क्लासेस रहती है देशित में, राष्ट्रित में, आगे भी आपके लिए निशुल्क क्लासेस भी रहेंगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इन तथ्यों की, तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो कुछ चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट रूप से आ जाएंगी। इसमें कह रहा है कि 30 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे, दूसरा सामान्य अध्यक्ष होगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। पहला भाग जो 30 अंक का होगा, पहला मैंने आपको बताया ना, अगर हम बीपीएससी पीआरटी की बात करें, बीपीएससी पीआरटी की बात करें, तो जो भाग फर्स्ट है वो 30 अंक का होगा, 22 और 8। यहाँ पर कह रहा है कि पहला भाग यानी भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान के तहत अर्हता अंक 30 का होगा। 30 अंक है, इसमें से 30% अंक लाना अनिवार्य, मतलब 9 नंबर। दूसरा क्या है, सामान्य अध्ययन वाले भाग है जिसमें प्राथमिक गणित, ध्यान दीजिएगा भाग दो जो है जिसमें जीएस जीके मैथ का सेशन है, मैथ अच्छा खासा मैथ पूछा जाता है। और उसके बाद मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एकदम स्पष्ट रूप से, मैंने एकदम बता दिया कि पूरा जो पाठ्यक्रम था क्या है। अगर आप कहेंगे इसकी विस्तृत पाठ्यक्रम की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था, ई लर्निंग विद दुर्गेश आगे से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि अगर आप शेयर करेंगे तो सभी लोगों तक ये पहुंच जाएगा और सभी लोग इससे जुड़ पाएंगे, और आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे। वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िएगा, आपकी ई लर्निंग विद दुर्गेश टीम आपको जवाब दे देगी। नोट्स आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत अहम और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूरी नोट्स आपको 6 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 5 तक पूरे कंप्लीट नोट्स आपको उपलब्ध है, 9, 10, 11, 12 सभी विषयों के नोट्स यहाँ पर आपके लिए। आप सभी का आभार, मिलते हैं नए सेशन नए वीडियो के साथ। पूरी प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध हो जाएगी, पूरी मैराथन रिविजन क्लास भी, ताकि आप समय रहते अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।